हे दोस्तों, स्टीवन हॉकिंग, जिन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट माना जाता है ऑल टाइम का, उन्होंने यूनिवर्स के कई सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व किया है अपनी अमेजिंग लाइफ में। पर उनसे भी जब पूछा गया कि ऐसी कौन सी मिस्ट्री है जिसके बारे में वो बहुत सोचते हैं, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें समझ में नहीं आती कभी, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा, वुमेन। हॉकिंग कहते थे कि वुमेन सच में एक बहुत कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री है जिन्हें समझना सबकी बस की बात नहीं। और बस हॉकिंग ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ कई अमेजिंग साइंटिस्ट लाइक सिगमंड फ्रॉयड, कई कमेडियंस, हाई अचीवर्स भी वुमेन को समझ नहीं पाते, जिसका रिजल्ट कई बार उनकी पर्सनल लाइफ कभी अच्छी नहीं रहती, ना वो खुश रह पाते हैं। इनफैक्ट कई रिसर्च ऑन सोशल साइकोलॉजी बताती है कि अच्छे रिलेशनशिप्स होना कितना ज्यादा जरूरी है लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम औरतों को समझे, और यही करने की हेल्प मैं इस वैलेंटाइन के ऑसम मौसम में आज ऑथर जॉन गॉटमैन की बुक द मेंस गाइड टू वुमेन की बातें शेयर करके आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैं आपके कई मिथ्स को तोड़ूंगा और इन्हें क्लियर करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली वुमेन को चाहिए क्या होता है, वो क्या बातें होती है आदमी की जो औरतों को अट्रैक्ट करती है। मैं बताऊंगा कि क्या वो सबसे कॉमन मिस्टेक्स होती है जो यूजुअली आदमी करते हैं, जिसकी वजह से उनके रिलेशंस कभी अच्छे नहीं रह पाते। और इसके साथ साथ मैं एक स्पेशल मेथड के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी रिलेशनशिप्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। द नंबर वन थिंग वुमेन वॉन्ट इन मैन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक लड़की, एक फीमेल सबसे पहले आदमी में देखती है रिलेशनशिप्स में आने से पहले, सो मैक्सिमम लोग इसके रिप्लाई में बोलेंगे कि पैसा। लड़कियां देखती है कि लड़का कितना अमीर है, क्या जॉब करता है, कितने पैसे कमाता है, या वो ये देखती है कि लड़का कितना हैंडसम है, कितना अच्छा दिखता है, राइट? नाउ ये आपको शायद जान के बिलीव ना हो, बट ये चीज एकदम सच नहीं होती। वेल, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी खराब दिखने वाले लड़के को एक अच्छी लड़की के साथ नहीं देखा? वेल, मैंने तो कई बार देखा है और सोचा भी है कि यार इस लड़के में उस लड़की ने क्या देख ली। और सिमिलरली मैंने कई बार अच्छी लड़कियों को फाइनेंशियली नॉट सो वेल डूइंग लड़कों के साथ भी देखा है। देखो, सच तो ये है कि पैसा, लुक्स, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना लोगों को लगते हैं। पर ये कन्फ्यूजन सबको होती है, मुझे भी थी, क्योंकि मुझे भी मैक्सिमम लोगों की तरह इनके पीछे के रियल सच के बारे में नहीं पता था, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। बट इसे समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पहले जाना होगा। देखो, बात यह है कि हंड्रेड्स ऑफ सालों पहले जब ह्यूमंस के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल था, तब से ही औरतों को और उससे इम्पोर्टेंट उनके छोटे बच्चों को सेफ रखने की जिम्मेदारी आदमियों की होती थी। ऑब्वियसली बिकॉज आदमी स्ट्रांग थे, जो उन्हें जानवरों से और दूसरे कई सारे खतरों से उन्हें सेफ रखते थे, उनका ख्याल रखते थे। इसीलिए औरत उस टाइम पे भी उस आदमी को ही चुनती थी जिसपे वो ट्रस्ट कर सकती थी, ट्रस्ट की हाँ ये आदमी मेरे लिए रहेगा जब मुझे उसकी नीड होगी, और वो यूजुअली अल्फा मेल्स होते थे। इसीलिए ही फिर उसकी और उसके बच्चों की सेफ्टी डिपेंड करती थी उनके पार्टनर, मतलब आदमी के ट्रस्टवर्दी होने पर, जो आज भी बहुत मैटर करता है। देखो, एक बाप बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है बच्चे की हेल्थ और सक्सेस के ऊपर। इनफैक्ट रिसर्च बताती है कि जब एक फादर अपने बच्चों के साथ नहीं रहता तो 5 गुना ज्यादा चांस हो जाते हैं कि वो बच्चा गरीबी में जिएगा, 3 गुना ज्यादा चांस हो जाते हैं कि वो स्कूल में फेल होगा, 2 गुना ज्यादा चांस हो जाते हैं कि वो इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम फेस करेगा लाइफ में, कई बार ड्रग्स, क्राइम, सुसाइड्स, ये सब में भी इन्वॉल्व हो सकता है। और इसीलिए ही औरतों के लिए जो चीज सबसे जरूरी है, जो उन्हें सबसे अट्रैक्टिव लगती है, वो है आदमी का ट्रस्टवर्दी होना। बिकॉज एक औरत अपने आप से हमेशा कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली ये क्वेश्चन करती है कि क्या ये आदमी मेरे लिए रहेगा टाइम पर, और सबसे मेन, क्या मैं इस पर डिपेंड कर सकती हूँ। अब ट्रस्टवर्दी का बस ये मतलब नहीं होता कि आदमी का चीट ना करना, दूसरी लड़की को ना देखना। वेल, यहाँ पे ट्रस्टवर्दी का मतलब ऑथर बोलते हैं सबसे मेन 2 बातें आप में होना। फर्स्ट, क्या आप जो अपने आप को बोलते हो वही इंसान आप एक्चुअल में हो? और सेकंड, आप जो बोलते हो आप करोगे, क्या फिर आप वो काम करते भी हो? ना, ये दोनों चीज जो लड़के सबसे ज्यादा अच्छे से करते हैं, वही लड़के लड़कियों को सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी और अट्रैक्टिव लगते हैं। इसके साथ साथ 3 और चीजें होती है जो यूजुअली लड़कियां लड़कों में सर्च करती है, जो उन्हें अट्रैक्ट भी करता है लड़कों की तरफ। फर्स्ट, कॉन्फिडेंस, सेकंड, इंटेलिजेंस, और थर्ड, सोशल स्टेटस। ना, थर्ड से स्टार्ट करूं तो सोशल स्टेटस से यहां मतलब कुछ भी हो सकता है। एक इंसान कम पैसे वाला भी हो सकता है, बट अगर उसका किसी एक फील्ड में भी सोशल स्टेटस ऊंचा है, लाइक एग्जांपल समझो, एक इंसान बहुत अच्छा डांसर है जिसे लोग बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, एटलीस्ट डांस के फील्ड में, तो ये चीज भी उसे अट्रैक्टिव बनाती है। और सेकंड, इंटेलिजेंस की बात करें तो यहां इंटेलिजेंस मेनली ऑथर उस सेंस में बोल रहे हैं जिस फील्ड में लड़की का इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर एक लड़की जिसे समझो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो उसे हाई इंटेलिजेंस रखने वाले प्रोग्रामर्स पसंद आएंगे। और अब फर्स्ट, कॉन्फिडेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से ये चीज ट्रस्टवर्दीनेस में ही आती है, थोड़ी बहुत मिलती है। देखो, ट्रस्टवर्दीनेस का सेकंड पॉइंट मैंने बताया था
कि जो बोलना वो करना। सो इसे ही एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कई बार एक लड़की को लड़का अच्छा लगेगा जो पैसे वाला है, बिकॉज आज के टाइम पे पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों के सर्वाइवल के लिए, उनके सारे शौक और ज़रूरतें पूरे करने के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए ही पैसे वालों के लिए वो काम करना जो वो बोलते हैं ईजी भी होता है कई बार। प्लस यूजुअली वो पैसों की वजह से कॉन्फिडेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो इंसान होते हैं वैसे अपने आप को बताते भी हैं बिना ज़्यादा सोचे। जबकि कम पैसे वाले लोग यूजुअली अपने आप को कम समझते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो बोलते हैं वैसा कई बार रहते नहीं ना, वो बहुत चीज़ें पूरी कर पाते हैं कम पैसों की वजह से। इसीलिए ही फिर उनका ट्रस्टवर्दीनेस जो फैक्टर होता है वो भी कम हो जाता है। बट स्टिल अगेन आप ये बात समझो कि अमीर होना मेन नहीं है, मेन है ट्रस्टवर्दीनेस और डिपेंडेबल बनना, जो अगर आप लड़की को फील कराओगे तो वो आपको पक्का पसंद करेगी। लेकिन इसके बाद भी मैं ये भी सजेस्ट करूंगा आपको कि प्लीज़ हाँ आप अमीर बनो। ये चीज़ बस लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि आपके खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी होगी। प्रैक्टिकल एक्शंस टू मेक फील ट्रस्टवर्दीनेस। अभी कुछ प्रैक्टिकल स्वीट गेस्चर्स और आइकॉनिक एक्शंस जो आपको एक ट्रस्टवर्दी इंसान दिखाएगा, जो चीज़ें आपने कई बार टीवी में भी देखी होगी, लाइक लड़की के लिए दरवाज़ा खोलना, उसके लिए चेयर पीछे लेना, रोड से चलते टाइम लड़की को गाड़ियों से दूर करना। ये सब लड़कियों को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये उन्हें ट्रस्टवर्दी फील कराता है। और इसके साथ साथ लड़कों को अपने आप को मेंटेन रखना, हाइजीनिक रहना, ये भी लड़कियों को पसंद होता है। बिकॉज जो लड़का अपनी ही केयर नहीं कर सकता वो दूसरों की कैसे केयर करेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार लड़कियों के दिमाग में आता है। इसीलिए साफ सुथरे रहो, मेंटेन रहो, अकाउंटेबिलिटी रखो, जो बोलो वो करो। ये सब छोटी छोटी बातें लड़की को सेफ फील कराती है और सबकॉन्शियसली बताती है कि आप ट्रस्टवर्दी इंसान हो। टू मेजर कंप्लेंट्स वुमेन हैव। रीटा और जॉन 2 साल से रिलेशनशिप में हैं, बट अब वो नोटिस करते हैं कि उनकी बातें पहले से बहुत कम हो गई है, और अब होती भी है तो बस लड़ाइयाँ, बिकॉज वो लोग बात बात में झगड़ा करने लगते हैं, जिसकी वजह से रीटा को रिलेशनशिप में रहने के बाद भी ऐसा फील होता है कि वो अकेली है। जबकि लड़के को ये बार बार की लड़ाई फ्रस्ट्रेटिंग लगती है, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप खराब से और खराब होने लगता है और एक दिन वो लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। नाउ ये चीज आजकल बहुत कॉमन हो गई है। ऑथर की रिसर्च से पता चला है कि आजकल लड़कियों को जो 2 सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है रिलेशनशिप में, वो होती है फर्स्ट ये बोलना कि वो मेरे लिए कभी नहीं रहता, ही इज नेवर देयर फॉर मी, और सेकेंड नॉट इनफ इंटीमेसी एंड कनेक्शन। वहीं दूसरी तरफ ऑथर बोलते हैं कि लड़कों की कंप्लेंट होती है फर्स्ट दैट लड़कियां बेवजह उनसे लड़ती रहती हैं, सेकंड वो इतने ज्यादा फिजिकल नहीं होते जितना होना चाहिए। नाउ ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लड़कों को ऑथर बोलते हैं एक मेथड का यूज करना, जिसका नाम है अट्यूनमेंट। जैसे रेडियो पे गाने सुनने के लिए आपको सही चैनल ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही रिलेशनशिप में सही आउटकम के लिए आपको आपके इमोशंस को अट्यून करने आना चाहिए। बिकॉज जो इंसान अच्छे से अट्यून करना सीख जाएगा वो किसी भी इमोशन और नीड्स को पूरा कर सकता है अपने पार्टनर की, जिसकी वजह से फिर झगड़े कम होंगे और दोनों की दोनों नीड्स भी पूरी होगी। अट्यून अप। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एक ट्रेड जो वुमेन को सबसे ज्यादा चाहिए होता है मेन में, वो होता है ट्रस्टवर्दीनेस, और ट्रस्ट बिल्ड होता है इमोशनल कनेक्शन से, और इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने का एक सिंपल आंसर है अट्यूनमेंट। देखो मैक्सिमम लड़कों से जब लड़की कोई बात करती है, कोई प्रॉब्लम बताती है, अपसेट होती है, तो वो इन 5 में से एक चीज करने की कोशिश करते हैं। पहला मिनिमाइज देम, मतलब वो उस प्रॉब्लम को ऐसा बोलते हैं जैसे वो प्रॉब्लम है ही नहीं और बहुत छोटी बात है। सेकंड फिक्स, वो उस प्रॉब्लम का सिंपल सा सलूशन दे देते हैं। थर्ड डिस्ट्रैक्ट, वो उस प्रॉब्लम को भूल जाने बोलते हैं। फोर्थ फन, वो उस प्रॉब्लम का मजाक उड़ाते हैं। या फिर फिफ्थ इग्नोर, वो कंप्लीटली बात को इग्नोर करते हैं। जो 5 तरीके बिल्कुल खराब होते हैं लड़कियों के लिए। सो जब भी लड़की कोई प्रॉब्लम बोले या अपसेट हो, तो ये करने के बजाय आप बस अपने आप को ये एक्रोनिम याद दिलाओ जो है ATTUNE, अट्यून। जहां ए स्टैंड करता है अटेंड के लिए, मतलब गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन। एग्जाम्पल, जब आपकी पार्टनर आपसे बात करती है तब आप मोबाइल में रहने के बजाय और बस हाँ करने के बजाय मोबाइल को साइड में रखो और उनसे एक्चुअल में बात करो। और अगर आपको लगता है कि जिस चीज के बारे में आपकी पार्टनर बात कर रही है वो लॉजिकल नहीं है या फिर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी आप उनकी बातों को सुनो, बिकॉज मे बी वो बात उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, और इसलिए भी क्योंकि ये सिंपल एक्शन शो करेगा कि आप उनकी केयर करते हो। अट्यून का TT स्टैंड करता है टर्न टूवर्ड के लिए। देखो अभी कोई मेटाफर नहीं है, कोई भी विमेन, इनफैक्ट कोई भी इंसान जब किसी से बात करता है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि सामने वाला उसे फेस टू फेस बात करे। स्पेशली जब आप अपने पार्टनर से बात करते हो तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, इससे आप उन्हें उनकी बातों में इंटरेस्टेड लगोगे और ये चीज उन्हें बहुत स्पेशल फील होगी। फोर्थ अल्फाबेट यू स्टैंड करता है अंडरस्टैंड के लिए। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पार्टनर आपसे क्या बात कर रही है, कौन सी बात कर रही है, बट जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग।
आपका उन्हें समझना, और आप उन्हें तभी समझ सकते हो जब आप उनसे अच्छे से क्वेश्चंस पूछोगे। इसलिए इस स्टेप में आप उनसे क्वेश्चन पूछो, बिकॉज मैक्सिमम टाइम वो आपसे सोल्यूशन नहीं मांग रहे होते अपनी प्रॉब्लम बता के, बल्कि वो बस अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं आपसे। इसीलिए सोल्यूशन देने के बजाय आप क्वेश्चंस पूछो। नाउ यहाँ एंड स्टैंड करता है नॉन डिफेंसिव लिसनिंग के लिए। देखो, अगर आप अभी तक बताए सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो बहुत ग्रेट बात है, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आपकी पार्टनर आपको बोलती है कि मोबाइल बंद करो और मुझसे बात करो, तो यूजुअली लड़के वो बात सुनने के बजाय लड़ने लगते हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, फालतू काम नहीं कर रहा हूँ, गेम नहीं खेल रहा हूँ, या और कोई जस्टिफिकेशन देते हैं, जो फिर आर्ग्यूमेंट बनके लड़ाई बन जाती है। देखो, आई अंडरस्टैंड, यूजुअली हम गुस्से में ओवर रिएक्ट करते हैं, बट जब भी आपको गुस्सा है, आप ये बात याद रखो कि जो इंसान एंगर की सिचुएशन में, आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन में अपने आपको काम रख सकता है, शांत रह सकता है, वही इंसान यूजुअली एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाता है। बस अपने पार्टनर के साथ ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी वो बहुत आगे जाता है। इसीलिए अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो। और लास्ट ई स्टैंड करता है एम्पथाइज के लिए। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है एम्पथाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग में, बट एक्चुअल में ये दोनों अलग है। अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल चीज़ है, जबकि एम्पथी इमोशनल चीज़ है। इस पॉइंट में आपको फील करना है कि आपकी पार्टनर क्या फील कर रही है, बिना ये सोचे कि वो सही है या गलत। आपको यहाँ उनके गुस्से को, सैडनेस को, रीजनिंग को फील करना है। यहाँ आपको दिखाना चाहिए कि आप एग्जैक्टली समझते हो वो कैसा फील कर रहे हैं, जो चीज़ बहुत मैजिकल होती है किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में। और इन्हीं सारी चीज़ों को जब आप करोगे, तो आप अपनी रिलेशनशिप की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। बस ये थी कुछ अमेजिंग बातें द मेंस गाइड टू वुमेन बाय जॉन गॉटमैन बुक से। अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए, तो वो आप seeken.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी है जो आपको एक महीने का फ्री ट्रायल देती है, और उसके बाद वो आपको चार्ज करती है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। नाउ, अगर आप लड़के हो तो कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, लड़कियां कौन सी बातों से अट्रैक्टेड होती है। और अगर आप लड़की हो तो कमेंट करके बताओ ये बातें सही है कि नहीं जो मैंने वीडियो में बताई। शेयर करें इस वीडियो को सभी लड़कों के साथ, ताकि वो लड़कियों को समझ पाए। और हाँ, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ऐसी बातें सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए। मैं हर संडे ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरी डालता रहता हूँ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।